फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्डन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको गर्म पानी में डालकर अगर अपने पैर धो लिए तो कड़ी से कड़ी सर्दी में भी आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी। आगे जानेंगे क्या है वे चीजें, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ गार्डन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और सबसे पहले हेल्थ टिप्स के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाइए। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बड़ी एड़ियों से परेशान हैं, सर्दियों में आपके पैर फटकर रफ, ड्राई और कटीले हो जाते हैं तो इस बार ऐसा नहीं होगा अगर आप गर्म पानी में ये चीजें मिलाकर पेडिक्योर करेंगे। चलिए जान लेते हैं आपको पटी एड़ियों से राहत कौन सी चीजें दे सकती हैं। पहला, वर्म वाटर लेमन। इसके लिए आप आधा बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें और उसमें एक नींबू का रस डालें। फिर उसमें अपने पैरों को 5 से 6 मिनट तक डुबाए रखें। पैर सूखने के बाद क्रीम या ऑयल से मसाज करें। फ्रेंड्स, हर बार पैर धोने के बाद उन पर क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, वरना ये ड्राई होकर पड़ जाते हैं। सेकेंड, बर्न पाउडर शैम्पू। हल्का गर्म पानी लेकर उसमें हल्का शैम्पू डालकर अपने पैरों को कुछ देर तक डुबाए रखें। इसके बाद एड़ियों को प्यूमिक स्टोन से रगड़ कर क्लीन करें। जब डेड स्किन साफ होगी तभी आपके पैर क्लीन एंड सॉफ्ट लगेंगे। अपने पैरों को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। 3. वर्म वाटर बेकिंग पाउडर। हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अपने पैरों को पानी में डुबा कर रखें। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा पैरों से गंदगी और डेड सेल्स को रिमूव करता है। इसके अलावा यह एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है जो आपको फुट इन्फेक्शन से भी बचाएगी। फ्रेंड्स, इस मेथड से हफ्ते में 2 या 3 बार अपने पैरों को जरूर धोएं। अगर आपने पूरी सर्दी के सीजन में ये रूटीन अपनाया तो आपके पैर ड्राई एंड रफ दिखने के बजाय क्लीन, स्मूथ एंड सॉफ्ट दिखने लगेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वारी और डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।